स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और पाकिस्तान में अमेरिका का डर चल रहा है। पाकिस्तान में ईरान गैस पाइपलाइन के लिए काम शुरू का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बढ़ गया है। इस पाइपलाइन की वजह से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे फंस चुका है कि उसका कंगाल होना तय है। देखिए, तगनाई कमेटी इजलास में ईरान की सरहद तक गैस लाइन बिछाने की मंजूरी। पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। ईरान ने 3 नोटिसेस पाकिस्तान को भिजवाए हैं, लेकिन अब जरा मामले को पाकिस्तान मुसालेहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। जो नई गवर्नमेंट आएगी और इतने गले पानी चढ़े होएगा, गैस चढ़ी होएगी कि बनाओ, और अगर कोई गड़बड़ हुई, इन्होंने बनानी शुरू की तो अमरीका ने हाँ ना ऐसे किया तो IMF भाग जाएगी। कंगाल पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। एक तरफ ईरान की पाइपलाइन से आने वाली गैस है तो दूसरी तरफ IMF से मिलने वाले कर्ज पर रोक है। एक तरफ ईरान की इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने की धमकी है, दूसरी तरफ अमेरिका से प्रतिबंध का खतरा है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा आत्मघाती फैसला कर लिया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त, काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। यानी पाकिस्तान भारत की देखा देखी अमेरिका को चैलेंज देते हुए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के काम को आगे बढ़ाने जा रहा है, ताकि उसे ईरान को $18 बिलियन का जुर्माना न देना पड़े। लेकिन पाकिस्तान का ये रुख उसे पूरी तरह कंगाल बना सकता है। चलिए अब आप समझिए ये पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 2009 में गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस मिलनी थी। 2013 से गैस पाइपलाइन का काम भी शुरू हो गया। ईरान ने तो अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के डर से पाकिस्तान ने अपनी तरफ का काम रोक दिया। एक दशक तक काम रुका रहा तो ईरान ने पाकिस्तान को $18 बिलियन जुर्माने की धमकी दी, तो दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा भी बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के तल्लुकात खराब होने शुरू हो गए। okay. और जैसे वो खराब होने शुरू हो गए तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। और अमेरिका ने कहा कि जो भी बंदा अब पाकिस्तान को ये कहा कि अगर आप ये पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि हमें ये कहा कि आप तेल भी नहीं खरीद सकते।